sunshine, welcome back to our channel Travel Spirit Paris. In this video, I'm gonna show you how the metro works. Is it easy to use? Is it safe? Does it go everywhere? So let's go. Metro safe? So हाँ, इसका answer है कि metro safe है. क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं और पर ये पेरिस फेमस है पिक पॉकेट के लिए. तो जब भी आप मेट्रो में सफ़र करें तो प्लीज़ श्योर कर लें कि आपके बिलोंगिंग सारे आपके सेफ पॉकेट में रखे हुए हैं. ईजी है, ये टच स्क्रीन है, इसमें आपको सारे लैंग्वेजेस दे रखे हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच. तो ये आपको टच करना है. ओके, तो ये टिकट्स के लिए दे रखा है आपको, टिकट्स और टिकट्स एयरपोर्ट के लिए, टिकट्स पेरिस में विजिट करने के लिए मिले थे. तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप टिकट यहाँ पर टच करिए, उसके बाद प्लेन. ये टिकट्स दे रखी हैं, एक टिकट आपको जितनी मर्जी टिकट लीजिए, एक टिकट, दो, तीन, चार, पाँच, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप बुकलेट लीजिए. इसमें आपको 10 टिकट मिलेंगी 16.90 की. तो ये वैलिडेट करना है. उसके बाद अगर आपके पास कॉइन है तो यहाँ पे डालना है, अगर आपके पास नोट है तो आप यहाँ पे डालें. मेरे पास कार्ड है तो मैं कार्ड यूज़ करूँगी. मैंने अपना कार्ड एंटर किया, मैंने अपना कार्ड लगाया, अब मैं डालूंगी पिन. ओके, मेरा पिन कोड ठीक है. ओके, यस, मुझे रिसिप्ट चाहिए तो ओके, यस. तो मेरी टिकट्स आ रही हैं. तो मेरी 10 टिकट आ चुकी हैं. So put your ticket here and it's come out from there. Okay. और जब तक आप मेट्रो से बाहर ना जाएं तब तक इस टिकट्स को संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में टिकट्स की चेकिंग भी होती है. मैप ये होते हैं और हर मेट्रो लाइन का एक अलग नंबर और एक अलग कलर है. जैसे कि ये मेट्रो लाइन नंबर 4, ये आपकी ग्रीन कोर्ट से स्टार्ट होती है और ये आपकी ख़त्म होती है बानियो पे, ठीक है. और ये लाइन बीच में औरों से भी कनेक्ट होती हुई जाती है. और 4 मेट्रो लाइंस पेरिस में इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि पहली नंबर पे है मेट्रो नंबर 1. ये पेरिस के ईस्ट से होके वेस्ट तक जाती है. सेकेंड लाइन है मेट्रो नंबर 4, जो कि पेरिस के नॉर्थ से होती हुई साउथ डायरेक्शन में जाती है. और थर्ड नंबर पे आती है मेट्रो लाइन नंबर 8, जो कि पेरिस के साउथ वेस्ट से होती हुई साउथ ईस्ट तक जाती है. ओके, एंड लास्ट में आता है मेट्रो नंबर 12. तो लाइन नंबर 4, 1, 12 और 8, ये चारों लाइन्स आपको पेरिस के हर फेमस प्लेस तक ले जा सकती है. मेट्रो नंबर लाइन 4 पे है और इसका डायरेक्शन है बानियो. हर लाइन का डायरेक्शन डोर के ऊपर मेंशन होता है. वाइट डॉट्स का मतलब है कि यहाँ से आप अपनी लाइन को स्विच कर सकते हैं, और फुल डॉट्स का मतलब है कि नो कनेक्टिंग लाइन एट दिस स्टेशन. और मेट्रो डोर सब में सेम नहीं होते हैं, कुछ में बटन होता है पुश करने के लिए और कुछ में हैंडल होते हैं जिनको आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होता है बाहर आने के लिए. सॉफ्टी का मतलब है एग्जिट, एंड मेक श्योर फर्स्ट कि आपको किस डायरेक्शन में एग्जिट करना है. हम लोग जा रहे हैं आर ई आर वाली डायरेक्शन में. ओके, स्टेशन सत्य लियाल है और यहाँ पे आर ई आर ए, आर ई आर बी और आर ई आर सी तीनों मिलती है. Get that email, get that
और ये एयर हो एयर है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेजो एक्सप्रेस रेजियोनाल, और इसमें एयर एयर में पेरिस के 2 जून तक ही मेट्रो की टिकट वैलिड होती है। ये स्टॉप सतले लियाले और आपको यहाँ पर ये वाली एयर एयर और मेट्रो लाइंस मिल जाती हैं। To use the Paris Metro or Google Maps, you have to open it. आप यहाँ पर आके जाके आप अपनी डेस्टिनेशन सर्च कीजिए जहाँ आपको जाना है और डायरेक्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता देगा जिसके थ्रू आप एबिल्टॉन तक पहुँच सकते हैं। The second application to make your travel hassle-free in Paris is the Bonjour RATP. इस एप्लीकेशन में आपको एक अपना लॉगिन आईडी बनाना होता है और उसके साथ ही आप यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको अपना एक ईमेल एड्रेस देना होता है और साथ में पासवर्ड एक आपको बनाना होता है और इस पर भी उसी तरीके से हमें सर्च करना होता है जहां हमें जाना है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा सिटी मैपर, जो कि मुझे लगा कि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। ये इवन आपके मेट्रो के आने की टाइमिंग्स को भी बता देता है। सेम आपको कौन सी बस, कौन सी आरआर या फिर कौन सी मेट्रो वहाँ तक पहुँचा सकती है आप इसमें देख सकते हैं। और यही आप देखेंगे कि कितने मिनट में मेट्रो आएगी वो भी ये दिखाता है। देखिए मैक्स मेट्रो 6 मिनट बाद है आरआर, और दूसरा आप देखिए लाइन नंबर 1 जो कि, और साथ में बस नंबर 42 दिखा रहा है कि अगली मेट्रो जो है आपको 3:59 पर मिलेगी और टोटल टाइम 40 मिनट्स। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप आएँ इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सिटीज़ में अवेलेबल है, बस आपको सिटीज स्विच करनी होती है। थैंक यू गाइज हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।